हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीयूटी आईसीआर यूजी 2023 की। काफी स्टूडेंट जिन्होंने इस साल आईसीआर यूजी 2023 का एग्जाम दिया था, अभी वो वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, आगे की जो प्रोसेस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आपका एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस किस तरह से होगा, कौन सी ऑफिशियल साइट पे होगा, सारी अपडेट्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आईसीआर की सारी वीडियोस रेगुलर अपडेट्स है वो हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल आईसीआर का एग्जाम दिए हैं तो उनको कौन सा कोर्स है वो करना चाहिए, उनकी रैंक के हिसाब से कौन सा कोर्स मिलेगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूटी आईसीआर यूजी 2023 का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो सीयूटी आईसीआर यूजी 2023 का रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ज्यादा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसमें आपका परसेंटाइल आएगा, उसमें आपकी रैंक आएगी कि ऑल इंडिया आपकी कितनी रैंक है, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है, सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट ग्रुप से हो, जैसे कि हम बात करें कि आप यदि एबीसी ग्रुप से हो, चाहे आप पीसीबी ग्रुप से हो, चाहे आपने पीसीएम ग्रुप से एग्जाम दिया हो, तो सारे ग्रुप्स की आपकी रैंक्स है वो जारी की जाएगी। और सभी की, मतलब ऐसे नहीं है कि आप एबीसी की, मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के अलग से आपकी रैंक कार्ड आएगा या आप ओबीसी के स्टूडेंट्स, सॉरी पीसीबी के स्टूडेंट्स के अलग से जारी होगा, सभी स्टूडेंट्स का एक साथ रिजल्ट आएगा, एक साथ रैंक मेंशन होगी, ऑल इंडिया के रैंकिंग के बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो जैसे आपका काउंसलिंग, जब से आपका रिजल्ट जारी होता है उसके वन वीक के बाद में आपका काउंसलिंग प्रोसेस का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपका आईसीआर का काउंसलिंग होता है, जो कि आपका exam.ac.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे काउंसलिंग की जो राउंड्स होते हैं वो कितने राउंड्स होते हैं, कितने महीने तक आपकी जो है काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अनदर जो और भी एग्जाम उन्होंने दिए होते हैं, जैसे कि हम बात करें पैरामेडिकल का या साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है वो देते हैं, तो उनमें उनको वहां भी काउंसलिंग करानी होती है। तो आईसीआर की हम बात करें तो आईसीआर में आपका 2 महीने तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, जिसमें आपके आईसीआर के लास्ट ईयर की हम बात करें या उससे लास्ट ईयर की हम बात करें तो 4 राउंड्स आपके ऑफिस, 3 राउंड आपके ऑफिशियल होते थे, उसके बाद एक मॉकअप राउंड होता था। लेकिन इस साल आपका लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर आपका 5 राउंड हुआ था, जिसमें से 4 राउंड आपका आईसीआर के थ्रू हुआ था और उसके बाद में एक मॉकअप राउंड सीट वेकेंट होने के बाद पर आपका एक मॉकअप राउंड हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलता है फॉर आईसीआर यूजी का, उसी तरह से आपका पीजी का चलता है और इसी तरह से पीएचडी का चलता है। ठीक है, तो अभी आपका आईसीआर यूजी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, सभी स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अभी आपको रिजल्ट का वेट करना है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक रिलीज होगा, उसके बाद में आपका काउंसलिंग प्रोसेस है एक वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बता दिया कि 2 मंथ तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, जिसमें आपका 4 राउंड आईसीआर के थ्रू होंगे और 1 राउंड आपका मॉकअप राउंड जब आपका सीट वेकेंट रहेगा तब आपका होगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, और उसके बाद में जो अपडेट्स होंगे हम आपको वीडियो पे लगातार देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आईसीआर की टोटल सीट कितनी है, कितना आपका फीस लगता है और कितना आपका कट ऑफ है, जैसे कि हम बात करें जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सारे हम कैटेगरी वाइज यहां पे कट ऑफ की भी बात करेंगे, अलग अलग कॉलेज की टॉप कॉलेज कौन सा, सभी ए टू जेड अपडेट्स है वो आपको मिलेंगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।